हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। गाइस, जिस देश ने हमारे देश के ऊपर 100 सालों से भी ज्यादा वक्त तक राज किया, क्या फ्यूचर में हम उस देश से आगे भी निकल पाएंगे? अगर हाँ तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में यह दोनों ही कंट्रीज किस हद तक बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया की। तो फ्यूचर में कौन सा कंट्री कितना पावरफुल होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो से। तो चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में दबाना बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो यूनाइटेड किंगडम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में कंसिस्ट है, एक टाइम पर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम जिसने दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 65 कंट्रीज एंड टेरिटरीज पर राज किया और इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल था। दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए तो इंडिया को कंगाल बनाकर 2 पार्ट्स पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान में ब्रेक कर दिया। साथ में अपने व्यापार के लिए यहाँ पर रेलवे, एयरवे और बाकी काफ़ी सारी अच्छी सुविधाओं का विकास भी किया। लेकिन दोस्तों, आज यानी 2022 में हमारा इंडिया इकोनॉमी के मामले में यूनाइटेड किंगडम को भी बाईपास कर चुका है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं फ्यूचर की। तो पॉपुलेशन की बात की जाए तो करंटली इंडिया की पॉपुलेशन 1.40 बिलियन पीपल है और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.66 बिलियन पीपल होगी और यह वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन 2022 में 67 मिलियन पीपल है और 2050 तक यही पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 96.3 मिलियन पीपल होगी। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिविजन्स की बात की जाए तो गाइस, 2050 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश राज्य की होगी, 298 मिलियन पीपल, जबकि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा आबादी इंग्लैंड कंट्री की होगी, अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन पीपल के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन एंड एरिया, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2050 तक 504 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होने वाली है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन डेंसिटी 2050 तक 328 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो 2050 तक इंडिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता का नाम होगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर लंदन, मैनचेस्टर एंड बर्मिंगम होंगे। गाइस, अब नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जो कि वर्ल्ड का जीडीपी वाइज थर्ड नंबर का कंट्री होगा। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 2050 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी, जो कि वर्ल्ड का 7th नंबर का सबसे ज़्यादा जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। मोस्ट जीडीपी वाले सब डिविजन्स की बात की जाए तो इंडिया में 2050 तक सबसे ज़्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की होगी 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की, जबकि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा जीडीपी 2050 तक आपको इंग्लैंड की देखने को मिलेगी 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स की। गाइस, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक 17,000 यूएस डॉलर्स से 18,000 यूएस डॉलर्स के बीच में होगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक 1,18,750 यूएस डॉलर्स के बीच में आपको दिखाई देगा। गाइस, करंट जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तक 8.7% का है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 4% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ 2022 में इंक्रीज हो रही है। जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2050 तक अप्रोक्सीमेटली 48 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी, जो बाई जीडीपी पीपीपी वर्ल्ड का 2nd नंबर का कंट्री होगा। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी और इस तरह यूनाइटेड किंगडम
वर्ल्ड का 11th नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी पीपीपी वाला कंट्री होगा। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इंडिया का लिटरेसी रेट 2050 तक 90 से 99% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम का लिटरेसी रेट 2022 में ही 99% का है, तो ऑफ कोर्स 2050 तक यह लिटरेसी रेट 99% से 100% के बीच में हो सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों ही कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको 2050 तक 80 ईयर्स की देखने को मिल सकती है। गाइज आइए अब कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं। गाइज इंडिया का पॉवर्टी रेट 2050 तक 1% का होगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम का पॉवर्टी रेट 2050 तक 1.9% का हो सकता है। इंडिया की 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट को 2050 तक यूज़ करेगी, जबकि यूनाइटेड किंगडम में भी मोर देन 90% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज़ करेगी। गाइस डिफेंस बजट की बात की जाए तो इंडिया का डिफेंस बजट 2050 तक $400 बिलियन से $500 बिलियन के बीच में हो सकता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का डिफेंस बजट 2050 तक $150 बिलियन से भी ज़्यादा होगा। गाइस 2050 तक इंडिया के 99% घरों तक बिजली पूरी तरह से पहुंच चुकी होगी, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह आंकड़ा 99.9% का होगा। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया 2050 तक इसकी लैंड का 17% होगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम का फॉरेस्ट एरिया 2050 तक इसकी लैंड का 11% होगा। गाइस अगर बिलीनियर्स की बात की जाए तो इंडिया में 2050 तक 3000 से भी ज़्यादा बिलीनियर्स होंगे, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह आंकड़ा मोर देन 500 होगा। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो गाइस इंडिया का HDI 2050 तक 0.830 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम का HDI 2050 तक 0.960 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। गाइस आज के इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। जिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा अरसा हुकूमत की, सिर्फ 100 साल बाद इंडिया इस हिसाब को चुकता कर देगा और इंडिया जिंदगी की बहुत सी फील्ड्स में यूनाइटेड किंगडम से बहुत ज्यादा आगे होगा। सबसे पहले जनसंख्या की बात की गई, आज इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है 1.4 बिलियन की बड़ी पॉपुलेशन के साथ चाइना के बाद, जबकि दूसरी तरफ यूके की पॉपुलेशन सिर्फ 67 मिलियन पीपल है। और 2050 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा अपनी आबादी को लेके, और इस ज़मीन के ऊपर 1,66,00,000 लोग भारतीय शहरी होंगे, और जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की आबादी कुल मिला के भी 10 करोड़ से नीचे रहेगी। कल तक ये आबादी भारत पर बोझ थी, लेकिन आज यही आबादी भारत की तरक्की का बायस भी बनेगी। और अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो वो सच में हैरान कर देने वाली बात है। दिल्ली 4.5 करोड़ लोगों का घर बन चुका होगा। इमेजिन करें कि ये आज के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से भी बड़ा सिर्फ एक दिल्ली होगा अपनी आबादी को लेके, जबकि दूसरी तरफ लंदन सिर्फ 1 करोड़ का शहर होगा। ये भी फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फर्क जीडीपी में देखने में आएगा वो सच में हैरान कर देने वाला होगा। इंडिया की इकॉनमी बहुत ही बेहतरीन रफ्तार के साथ तरक्की कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इस इकॉनमी की तरक्की का हदफ तकरीबन 8.5-9% के दरमियान रखा गया था, लेकिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों ऐलान किया कि इंडिया ने अपने फाइनेंशियल ईयर के पहले एक क्वार्टर में 13% से भी ज़्यादा की शरह के साथ तरक्की की है। इसी तरक्की को बुनियाद बनाते हुए 2050 के अगर आंकड़े निकाले जाएं तो 2050 में इंडिया की इकानमी $30 ट्रिलियन की बड़ी इकानमी बन जाएगी, और ये दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। आज ये दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पर है, और ये पिछले कुछ अरसे में ही यूके को पीछे छोड़ती हुई आगे आई है। जीडीपी पर कैपिटा का फर्क भी बहुत ज़्यादा पड़ चुका होगा। आज तकरीबन $2,000 के आसपास जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया का, लेकिन 2050 तक यही जीडीपी पर कैपिटा 17,000 से 18,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड का जीडीपी पर कैपिटा इससे कहीं बेहतर होगा, 1,18,000 पर कैपिटा। जी रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ ला सकते हैं, हम वहां पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे।
धन्यवाद। सबसे ज्यादा आबादी वाली सब डिवीजन को लेकर यूपी आज भी पहले नंबर पर है। 2050 में भी यूपी पहले नंबर पर होगा। यूपी की आबादी तकरीबन 30 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। दूसरी तरफ यूके में इंग्लैंड ही सबसे आगे होगा। लिटरेसी रेट में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है अगले 30 सालों में। और आज इंडिया की आज इंडिया का लिटरेसी रेट जो तकरीबन 75% के राउंड अबाउट है, ये 2050 तक तकरीबन 100% को हाथ लगा लेगा, यानी 99% तक चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड का पलड़ा इसमें अच्छा खासा भारी है। आज 2022 में यूके का लिटरेसी रेट 99% है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरी आएगी, 75% से तो कहीं आगे का होगा। और अगर इकानमी तरक्की करेगी तो फिर मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी, और अगर बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी तो बड़े बड़े सरमायादार लोग पैदा होंगे। यही वजह है कि 2050 तक इंडिया में बिलियनर्स की तादाद 3000 से भी ज्यादा हो चुकी होगी, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड में सिर्फ 500-550 बिलियनर्स होंगे। ये भी बहुत ज्यादा फर्क होगा। इंटरनेट यूजर को लेकर भी तकरीबन बात आसपास ही होगी। और इसके साथ साथ जो डिफेंस बजट है वो सच में हैरान कर देने वाला है। आज इंडिया तकरीबन 72-73 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर, जो भारतीय रुपयों में 5,25,000 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। लेकिन 2050 तक भारत का डिफेंस बजट हैरान कर देने वाला होगा। 400-500 बिलियन डॉलर खर्च करेगा भारत अपने डिफेंस के ऊपर, ये बहुत बड़ी तादाद होगी। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो आज अमेरिका 750 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन मेरे लिए एक फैक्ट के ऊपर यकीन कर पाना अब भी आसान नहीं हो रहा कि इंडिया में पॉवर्टी रेट सिर्फ 1% के आसपास होगा, जबकि दूसरी तरफ पॉवर्टी रेट 1.9% होगा, यानी कि इंडिया से तकरीबन डबल। इस फैक्ट के ऊपर यकीन कर पाना अभी तक तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा यूके का बहुत बेहतर है। खैर, अगर ऐसा होगा तो फिर बिल्कुल ब्रिटिश के साथ वो बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रिटिश इस खित्ते में आए थे हिंदुस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा अमीर था, और जब यहाँ से गए थे तो कंगाल करके चले गए थे, हिंदुस्तान को दोनों हाथों से लूट के चले गए थे। उसके बावजूद हिंदुस्तान ने, अगर ये सारे फैक्ट्स पूरे करते हुए 2050 तक ये सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो फिर 100 साल में इन ब्रिटिश इससे बदला पूरा हो जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।